आज तो नहीं आ रही कोई इस बाइक में। क्या बात है, क्या अपने जयपुर की है ये लोकेशन। गाइज वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज अपन चल रहे हैं संडे राइड पे, सुबह मॉर्निंग पे। अपन दोनों ने पेट्रोल की फुल टंकी करवा ली है यहाँ से। वो भाई जा रहा है, साहिल भाई चल रहा है और मैं भी अब निकलता हूँ, क्योंकि आज हमारे पास गोप्रो नहीं है। गोप्रो कोई फ्रेंड लेके गया हुआ है, तो उसके चक्कर में आज गोप्रो की फोटेज कम दिखेगी। वैसे ही अपन व्लॉगिंग करेंगे, तो ये चेक कीजिए अपनी बाइक, कुछ गंदी हो रही है पीछे से तो पूरी, क्योंकि मरगा डर रखा हमने। और आगे के लिए अपन ने कुछ सोच रखा है यहाँ पर, कुछ ग्राफिक्स करवाने के लिए, तो जल्दी दिखेगा आपको, मिलते हैं आगे। और गाइज अपन लोग 14 नंबर पहुंच चुके हैं, 14 नंबर पुलिया के पास में वेट कर रहे हैं। दो अपन को चलना है इधर दिल्ली रोड के ऊपर, क्योंकि आज ऐसी लोकेशन दिखा रहे हैं, हिडन लोकेशन होगी वो जयपुर की, मतलब इसको पता नहीं होगा लगभग, या पता भी हो भी सकता है। जो ज़्यादा घूमता है, हमारी भाषा में बोलो ज़्यादा हांडता है, उसे वो पता होगी। बाकी अपने को तो पता है, तो अपन निकलते हैं। और साहिल भी आ चुका है विथ न्यू RC के साथ में, और वो GP एडिशन आया है, वो भी यार बहुत प्यारा लगता है कलर, लेकिन ये शाइनिंग ज़्यादा मारता है, वो शाइनिंग नहीं मारता GP एडिशन वाला, तो इसलिए अपन को शाइनिंग वाले कलर पसंद है, तो इसलिए अपन ने ये वाली ली है। और बाकी ये अपने पास है ही बीस्ट अपनी, ये 12 CC की सुपर बाइक। और बाकी चाचा देख रहे हैं सब देखते जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और ये गाड़ी उतार चुके हैं, देखो इधर, ओ भाई साहब ये पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं। और गाइस अपन लोग चल रहे हैं कुछ ऐसा काम किए, ये चीज़ आप ध्यान रखना अभी भी, एक काम करो तो एक ही काम करना, दो काम एक साथ मत करना, नहीं तो आप भूल जाओगे उस दूसरे काम को। और गाइस पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं, पहाड़ों में देखो ओ भाई साहब पूरा पेट का पानी हिल गया पूरा। और यहाँ पे कई बार हम क्रिकेट मैच खेलने भी आते थे, क्योंकि आपका भाई क्रिकेट का दीवाना भी है, थोड़ा थोड़ा अब कम हो चुका है, लेकिन अब है जो है ये इसका मरेज। इधर देखो कैसे धूल मिट्टी हो रही है, यहाँ पे बांध हो रहा था कई टाइम पे। सो गाइज अपन लोग इस प्रकार की लोकेशन पे आ चुके हैं, तो आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आ रही है, सूर्य भगवान प्रकट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपनी सेवाएँ। और ये चेक कीजिए लोकेशन आप यार, यहाँ की, यहाँ के प्यारे प्यारे खेत, और ये पहाड़ देखो पास में, और ये दो भाई लोग जाते हुए। और यह चेक कीजिए गाइज यहाँ पर, ये बहुत ऊपर है, यहाँ पे इसको बांध उड़ देता है बांध, ये तीनों चारों लौंडे देखो अपने कैसे खड़े हुए हैं। और ये देखो यार EV भी आ रखी है यहाँ पे ऑफ रोडिंग के लिए, तो आप समझ जाओ यार आप कुछ भी लेके आ सकते हो। वैसे तो EV में इसमें पावर है, 1.5 लाख रुपये की आती है डेफिनेटली, कि इसके मतलब 1.5 लाख रुपये वर्थ है। और बाकी उधर आप देख सकते हो पीछे क्या हो रहा है, पीछे भाई साहब चारा लेके जा रहे हैं लोग गाय भैंसों के लिए खिलाने के लिए। और वो उधर वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब गेहूँ वो निकल रहे हैं, हमारे फसल निकलती है गेहूँ की, वो निकल हुई है वहाँ पे। सो बाकी और ये इधर देखो इकट्ठे करे हुए हैं ये, अब इनको एक एक जगह इकट्ठा करके इस प्रकार उस प्रकार कर देंगे, फिर उस प्रकार से इस प्रकार हो जाएंगे गेहूँ घर पे, और बाकी चारा फिर चारे वाले घर में। और ये देखो इधर कट रहे हैं, काट रही हैं औरतें। सो बाकी यार लोकेशन आप बता सकते हो कौन सी है कौन सी नहीं है, अपने जयपुर की है ये लोकेशन, तो आप कमेंट करना, फिर कमेंट में मैं आपको बताता हूँ, लोकेशन रिवील करता हूँ मैं आपको। सो मिलते हैं आगे चलते हैं, अभी तो 5 किलोमीटर और भी आ गए हैं, तो आगे चलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अरे भाई आवाज़ तो नहीं आ रही कोई इस बाइक में, क्या बात है क्या बात है, कहाँ से आ रही है। कहाँ पे इसके, बताओ यार
एक जो साउंड लगा रखा है यार, एक पहुंच का होगा इसमें एग्जॉस्ट, जो कि आवाज इतना साउंड लाउड कर रहा है। और अपनी डेस्टिनेशन यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर चलते हैं फिर अपन मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे हमारी हालत खराब हो रही है गाइस। और गाइस हम लोग रास्ते में यहाँ पहुँचे थे, और ये देखो एक बार इस खंबे पे कौन बैठे हैं यार, एक मिनट देखो यार, ये देखो ऊपर तक बैठे हैं, देखो ऊपर तक मंकी लोग बैठे हैं। तो भाई साहब नीचे उतर जाए, अगर कोई चूट चाट के मर गया तो कौन जवाब देगा इनका। मैं तो कह रही हांडी हांडी कौन रख रहा है, ये मतलब पानी वाली आती ना वो कौन रख रहा है, लेकिन यहाँ से फिर बाद में जान दिया। हाँ इनकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा, एक शख्स है लेने वाला, ये बाइक के पीछे बैठा। सो गाइस अपन लोग पहुंच चुके हैं ये मंदिर रहा, और ये देखो इधर बैटरी वाली बैटरी फूल चुकी है बाइकों की, ये देखो एक बार इनकी हवा टाइट होती हुई, अब देख रहा कैसे चढ़ेगी यहाँ पे। भूतेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर, हमारे को पता नहीं था कि भूतेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर, तो आपको दिखाते हैं एक बार। और ये देखो अपने लौंडे लपाटे क्या कर रहे हैं इधर, और ये अपनी बाइकें खड़ी है उधर, और वो मंदिर है सामने जस्ट अपने उधर, वो मंदिर है। तो मंदिर में कोई नाके में तो आया नहीं कोई, मेरे को लगता नहीं है इनमें नाके आने वाला कोई लड़का। सो ये बाइक तो आपको दिखा रहा हूँ बाइक की बाइक, और यहाँ पे बर्नआउट मारी है थोड़ी बहुत, ये चेक कीजिए आप एक बार। और यार इधर ट्रैकिंग का है बिल्कुल, यहाँ पे आ सकते हो आप लोग ट्रैकिंग कर सकते हो, वहाँ पे कोई मंदिर वगैरह है ऊपर उधर और उस साइड में, तो वहाँ पे आप आ सकते हो कोई ट्रैकिंग करने की इच्छा हो किसी की भी। सो ये सबसे बेस्ट जगह है जयपुर की ट्रैकिंग के लिए लोग, ये देखो इधर। और मौसम हो रहा है बढ़िया एक नंबर, धूप भी कम हो रही है, प्रकोप कम कर रहे हैं सूर्य भगवान। और चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, ये व्लॉग आपको लगेगा थोड़ा रो व्लॉग रहेगा इसमें, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि मेरे पास कैमरा नहीं है एक तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि गोप्रो कैमरा नहीं है मेरे पास, और बाकी आपको वैसे व्लॉगिंग दिखेगी इसमें, ओनली मोटो व्लॉगिंग नहीं दिखेगी इसमें एक बार। और यार यहाँ पे मज़े तो आ रहे हैं, लेकिन रोड एक नंबर ख़राब हो रही है यहाँ पे, ऑफ रोड करने वाले बंदों के लिए सबसे बेस्ट जगह है, लेकिन हमारी वाली बाइकों के लिए बेस्ट जगह नहीं है, धुआं निकल जाती है इन बाइकों की तो यहाँ से। और ये चेक कीजिए आप, यहाँ पे अपन नाश्ता वास्ता कर चुके हैं और अब निकलते हैं, और भाई लोग भी निकल रहे हैं। ये लड़का ये गिरा लोंडा, शक्ल ढंग से नहीं है इसकी। और ये चेक करो मंकी मंकी आ रखे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे देखो 50-60 मंकी तो उधर होंगे, और लगभग 4-5 हम हैं। और गाइस इसको बाइक पसंद आ गई ईवी की, इसको आवाज़ सुनाया जाए। सो गाइज ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा बताना आप कमेंट करें ज़रूर, और इस वीडियो में आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी कौन सी नहीं लगी, यहाँ पे ट्रैकिंग करने आप आ सकते हो। और इस वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं, ये वाला वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना, और जो आपकी इच्छा प्यारे से कमेंट के लिए करते हैं अपन वीडियो एंड।